हेलो हमा गनीसा, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी जा रहे हैं मनु की बर्थडे पार्टी में। आज हमारे मनु का बर्थडे है, तो मनु के बर्थडे का ब्लॉग, वेदांत के बर्थडे का ब्लॉग मैंने बहुत सारे डाले हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत शूट करके ये भी डाल देती हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत वहाँ पर शूट करूँगी। और मैंने बारिश आते ही, पहली बारिश आते ही लहरिया पहन लिया है। और गर्मी पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हमारा मनु भी आ गया है व्लॉग में आने के लिए। हैप्पी बर्थडे मनु। थैंक यू। सबको सब इसको कमेंट में विश करना हैप्पी बर्थडे। और ये हमें बुलाने के लिए आया है ना, तो चलो चलते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना? तो चलो चलते हैं फिर, आ जाओ। तो यहाँ पे हमारे मन्नू को हो गई है केक कट करने की जल्दी, तो बोल रहे दादा दादी सा आ जाओ केक कट करते हैं, चलो जल्दी से आ जाओ। पर इसको पता ही नहीं, अभी मोमबत्ती नहीं जलाई है, तिलक भी नहीं निकाला मेरे। तो फिर सबने बोला कि अरे तिलक निकालो, मोमबत्ती जलाओ। तो फिर याद आया, तो फिर बोलेगी रुको रुको, अभी तो मोमबत्ती जलानी है, तिलक निकालना है। तो यहाँ पर हमारे बुआसा है जो तिलक निकाल रहे हैं मन्नू के, और फिर केक कट करेगा मनु दादो सा दादी सा के साथ में। तो आपको कंटिन्यू व्लॉग में बने रहना है और हमारी क्यूट से मनु की बर्थडे पार्टी इंजॉय करनी है। यहाँ पे वेदांत का और मनु का यही प्लस पॉइंट है कि अगर वेदांत का बर्थडे आता है तो मनु भी साथ में खड़ा होता है, और मनु का बर्थडे आता है तो वेदांत भी साथ में खड़ा होता है। यहाँ पे इनका दोनों का ये प्लस पॉइंट है, किसी का भी बर्थडे आ जाए दोनों साथ में ही मनाते हैं। दोनों भाई भाई सेम ही एज के लगते हैं। तो यहाँ पे मनु ने बोला कि मुझे ना माचिस चलानी आती है, तो मैं ही जलाऊँगा मेरी मोमबत्ती। और आज मनु हो गया है 7 साल का, तो आज इसका 7वां बर्थडे है। तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे ना जल्दी ही 4:30 बजे ही बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, क्योंकि हमें एनिवर्सरी में भी जाना था। मैंने एनिवर्सरी का व्लॉग पहले डाला है, क्योंकि सब बोलने लग गए थे कि व्लॉग डाल दो क्योंकि हम देख लेंगे, क्योंकि ना हाथों हाथ ही व्लॉग डालते हैं तो अच्छा लगता है। और मैं हूँ आलसी, तो मैं पाँच पाँच दिन तक व्लॉग नहीं डालती। तो सबने बोला कि आप पहले वो व्लॉग डाल दो, फिर और एडिट करके डाल देना। तो अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रखी थी, तो मैंने ये व्लॉग थोड़ा लेट एडिट किया है, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे सब देख रहे हैं मनु को, और मनु का हो रहा है दादी सा के साथ फ़ोटोशूट। और हमारा चुलबुला सा मनु, क्यूट सा मनु यहाँ पर दादी सा को केक खिला रहा है, पर दादी सा बोल रहे हैं नहीं मैं केक नहीं खाऊँगी, क्योंकि दादी सा दवाई लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि बस फ़ोटो ही खिंचवा ले मेरे साथ, मैं केक नहीं खाऊंगी। और यहाँ पे सब अच्छे से मनु को केक खिला रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं हमारे मनु को। और ये हमारा क्यूट सा मनु है जिसका आज बर्थडे है। तो आप कमेंट में सब मनु को हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करें, हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोले। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके मनु को हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करें। और यहाँ पे सारे बच्चे दादी सा के नानी सा के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और ये है हमारे मम्मी जी, जो मम्मी जी बोल रहे हैं पहले फ़ोटो क्लिक करवा ले, पर मनु को तो खाना है केक। तो बने रहना है आपको कंटिन्यू व्लॉग में ना। दादी सा बोल रहे हैं कि इनको भी दे वो केक खिला, तो मनु पैसे वापस देने लग गया। इतना बोला सा मनु हमारा, क्यूट सा मनु इतना बोला है। और ये हमारे काकी सा हैं जो भी मनु को केक खिलाने के लिए आए हैं। दादी सा बोल रहे हैं कि ना ऊपर कर ले, कोई नहीं है, हम तो इधर साइड में हो जाएंगे, तू ओढ़नी को ऊपर कर ले, फ़ोटो खिंचवा ले। यहाँ ये है हमारे घर वाले, इतने ओपन माइंडेड, बताओ इतनी अच्छी सास हुए किसी को मिल सकती है क्या? ये हमारे बुआसा है, नंदू बुआसा है। और पिछले बर्थडे पे मैंने मनु का ब्लॉग बनाया था, तो मनु ने सबको मतलब ऐसे बताया, हेलो गाय जी हमारे बुआसा है, हेलो गाय जी हमारी दादी सा है, हेलो गाय जी हमारी जीजी है, हेलो गाय जी हमारी मम्मा है, पापा है, सबका बताया था। इस बार तो नहीं बताया मनु ने, मैं ही बता देती हूँ, हेलो गाय जी हमारे नंदू बुआसा है। वो ये भी बहुत भोले डाले, एकदम सीधे से बुआसा है हमारे, सबसे भोले डाले बुआसा है ये। और ये भंवरी बुआसा है हमारे,
मैंने थोड़ा थोड़ा सबका वीडियो शूट किया, फिर भी मेरा वीडियो ये 5 मिनट का ही बना है, तो मैंने सोचा इसको 5 मिनट का ही डाल देते हैं, ज़्यादा बड़ा करने से क्या मतलब है, छोटा ही सही है। ये यश भैया है, यश भैया बोले कि बड़े छोटे, पहले से बोल रहे थे कि बड़े से छोटे आओ, यश भैया बोल रहे आप देते रहना, मैं तो बस मेरा देख के जाता हूँ बाहर। तो यहाँ यश भैया बहुत चालाक है, इन्होंने यहीं से पैसे उठा के जो दाता ने दिए थे मनु के, वही उठा के फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, यश भैया पागल बना रहे हैं सबको। और ये हमारे दीदी है प्रीति दीदी, और ये है हमारे मनु के मम्मा पापा, तो ये भी केक खिला रहे हैं। और आज की बर्थडे पार्टी होती है यहीं पे, क्योंकि मैंने इतना ही शूट किया, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।